तो फिर आपको उतनी हीट फील नहीं होगी। थोड़ी बहुत हीट फील होगी, वो नेचुरल है, कोई भी बाइक में आपको फील होगी, लेकिन आप अगर 30 के अबव जा रहे हो तो उतनी ज़्यादा हीट आपको आपको फील नहीं होगी। इसका पीछे का ब्रेक पैड मुझे पड़ा 2800 का, फॉर ए रेफरेंस मीटियोर 350 का 280 का आता है। और रॉयल एनफील्ड की हर एक बाइक के साथ थोड़ी चेन की इशू तो आती ही है, तो आपको रेगुलरली क्लीन और ल्यूब करना ही पड़ेगा। वो है इसकी फ्यूल इंडिकेटर, कभी एक्यूरेट नहीं है, कभी भी नहीं, इसके साथ भी वही है। तो भाई को धोखा मिला है। तो भाई पीपीएफ का कितना आ गया? एक्चुअली पीपीएफ का अराउंड 15K के आसपास आ गया मुझे। सो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई आज मैं एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो आपके लिए लेके आ गया हूं, और आज हमारे साथ है सिद्धांत भाई। भाई का स्वागत है मेरे चैनल पे। और भाई अपनी बहुत दिनों के बाद मिले भाई, बहुत दिनों के बाद प्लान। और भाई अपना टाइम, कीमती टाइम हमें दिए हैं, क्योंकि ये लेके आए हैं आज इनकी 650 यानी कि सुपर मीटर 650 की बाइक। और भाई बाइक में बहुत सारा काम भाई ने किया है, बहुत सारा खर्चा भी भाई ने कर दिया है, सब कुछ आज बताएंगे इस वीडियो में। भाई खर्चा तो किए हैं, पर खर्चे के साथ इनको सेटिस्फेक्शन उतना मिला कि नहीं, क्योंकि भाई हो चुका है बाइक को कितना टाइम? अराउंड मैंने लिया था अप्रैल में, तो 6 months प्लस तो हो ही चुका है, 6 तो 6 महीना प्लस हो चुका है गाड़ी को। तो भाई पहले बता दीजिए कितना ये चला है, पहले बता दीजिए। ये अभी तक चल चुका है 6800 किलोमीटर, और 6800 के ऊपर ही चल चुका है। आज सुबह मैंने देखा था तो 6800 हुआ था। ओके। और अभी तक मैं काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, काफी कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंसेस रहे हैं, थोड़ा बिटर स्वीट। सब कुछ बताएंगे भाई, सब कुछ बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव मिला जुला सरकार यहाँ पे बताएंगे। और कौन सी बाइक लेने की सोच रहे थे और कौन सी बाइक ये लेके आए हैं उसके बारे में हल्का फुल्का जो जानकारी देने वाले हैं। और ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए जो लोग सुपर मीटर 650 की ओर जाना चाहते हैं, तो भाई वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चले भाई भाई से बाकी बात करते हैं। तो भाई पहले बताइए, कर देना लाइक भी कर देना ना। तो जैसे कि भाई ने कहा कि 6 महीना प्लस हो चुका है बाइक को, तो भाई बाइक कितनी की आपको पड़ी थी पहले बता दीजिए। बाइक मुझे ऑन रोड पड़ गई 4,10,000 के अराउंड। Okay. और इस पे हालांकि मैंने बहुत सारी एक्सेसरीज, बहुत सारे सर्विसेज लिए हुए हैं, जैसे कि रोड साइड असिस्टेंस हो गया, फिर एक्सटेंडेड वारंटी हो गया, ये सब चीज़ें मैंने ले रखी है। प्लस मैंने कुछ और एक्सेसरीज थोड़ा आप कैमरा पास कुछ नहीं तो, बहुत okay. सारे लगाए यहाँ पे बहुत ही सारे तो, यहाँ पे लगा दिए हैं बाइक में, कुछ बाकी यहाँ पे नहीं छोड़ा है भाई ने। मैं कंपनी से बताता हूँ कंपनी से मैंने क्या क्या लिया। कंपनी से मैंने ये लेग गार्ड ले रखा है, फिर ये फुटरेस्ट आगे की और पीछे की, और उसके बाद ये बार एंड फिनिशर्स, और आई थिंक दैट्स इट, इतने ही ले रखे हैं मैंने कंपनी से। बाकी भाई बाकी का जो किया है वो क्या है फिर? बाकी का ये फॉग लाइट्स मैंने ले रखे हैं, और ये फोन माउंट, और मैंने ले रखा है ये बैकरेस्ट एंड ए कैरियर इसके साथ है, इंक्लूड बैकरेस्ट के साथ, बैकरेस्ट अच्छा, के साथ इसके साथ इंक्लूडेड है, फिक्स नहीं है, आप इसको हटा सकते हो, अच्छा अलग हो सकता है, आराम से अलग कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये बहुत अच्छी क्वालिटी की है। okay. और इस पे मैंने एक नॉर्मल सा डफल बैग ऐसे ही बंजी केबल से बांध के भी एक राइड किया हुआ है। तो ऑल टोटल भाई आपका कितना अभी तक खर्चा आपने कर दिया बाइक के ऊपर, ऑन रोड प्राइस को छोड़ के? ऑन रोड प्राइस को छोड़ के आप बोल सकते हो 8,000 से 10,000 रुपए एक्स्ट्रा मैंने खर्चा किया। 10,000 आपने डाल दिया ऑलरेडी? यस। एंड ये जो कलर, ये कौन सा कलर है भाई ये? हाँ, बाय द वे एक और चीज तो मैं भूल ही गया, इसीलिए तो मैं पूछ रहा था वही चीज। ये कलर है एस्टल ब्लैक, बट इसके ऊपर मैंने मैट पीपीएफ किया हुआ है, इसीलिए मुझे मैट कलर पसंद आता था। अभी हमने बिहाइंड द सीन हमने जब बात किया तो भाई ने बता दिया कि मैंने इस पे पीपीएफ भी करवाया है, मैं भूल ही गया था पूरा। तो भाई पीपीएफ का कितना आ गया? एक्चुअली पीपीएफ का अराउंड 15K के आसपास आ गया मुझे, तो टोटल मिला के 25K मान के चल रहा हूं। हां, ये मैंने लोकली ही करवाया है, और अब मतलब पीपीएफ में मैं दूर से पता ही नहीं चलता कि ये दूसरे कलर की बाइक है और इसके ऊपर पीपीएफ हो रखा है। ओके। तो काइंड ऑफ ये मैट वाली कलर बहुत रेयर है, मैट कलर में आपको सुपर मीटियर देखना बहुत रेयर है। तो यूनिक यहाँ पे भाई ने करवाया अपनी गाड़ी को। यस। गाड़ी तो भाई कंपनी जो दे रही है, लेकिन इसके साथ जो लगी है एसेसरीज उसके साथ यहाँ पे पीपीएफ जो है कोटिंग भाई ने करवाया है। इसके ऊपर आगे भी कुछ कुछ प्लान्स है, जैसे कि और भी प्लान है, और भी खर्चा करेंगे, बस एक दो चीजें और लगानी है, जैसे कि क्या बाकी है भाई? सामने एक विंडशील्ड लगानी है। अच्छा, अच्छा, वो भी मतलब जैसे जरूरत पड़ती है वैसे, अगर जरूरत पड़े तो विंडशील्ड लगाएंगे, नहीं तो वो कैंसिल। बाकी एक ही चीज है, और तो कुछ नहीं, और कुछ नहीं, बाकी तो सब लगा दिया भाई ने, सब लग चुका है। 25,000 इसमें खर्चा ऑलरेडी कर दिया भाई ने। तो अभी आते हैं मुद्दे पे भाई, बताइए चलाने में क्या क्या आपने फेस किया अभी तक, 6 महीना प्लस हो चुका है बाइक को,
तो क्या है? अच्छा है क्या बुरा है, आपका सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस क्या है, आपका सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस क्या है इस बाइक को लेके? कुछ अच्छी चीजें कुछ तो पहले अच्छा बुरी चीजें, पहले एक अच्छा से शुरू करते हैं। अच्छा से शुरू करते नहीं वरना अच्छा लोग भाग जाएंगे वरना लोग भाग जाएंगे वही बात है। नहीं मतलब वैसे मिक्स करके सैंडविच करेंगे अच्छी बुरी चीजें, ठीक है? तो अच्छा ये चीज़ है कि इसकी इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है बहुत अच्छी है, मतलब इंजन थोड़ी लोअर साइड पे है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ी नीचे है, तो आप अगर स्टैंड से इसे हटा दो और आप इस बस स्टैंड से हटाने तक इसका वेट फील होता है, आप रोड पे हो 40 के अबव आप चल रहे हो, 20 के अबव भी आप चल रहे हो तब भी आपको बिल्कुल वेट फील नहीं होगी। स्ट्रेट लाइन पे चल रहे हो बिल्कुल वेट नहीं फील होगी। हाँ आपको टर्निंग्स में थोड़ी बहुत वेट फील होगी अगर आप स्लो स्पीड पे हो तो, थोड़ी थोड़ी मोमेंटम है बाइक में तो आपको टर्निंग्स में भी वेट नहीं फील होगी, यू टर्न्स में थोड़ी सी फील होगी, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसकी बहुत अच्छी है। इस पर आपको लीन करने का भी कॉन्फिडेंस मिल जाता है, काफ़ी हद तक आप इसे लीन भी कर सकते हो डिस्पाइट इट बीइंग ए क्रूजर। क्रूजर्स को जनरली आप लीन नहीं कर सकते बट टर्निंग वगैरह थोड़ी सी दिक्कत आती है बस इस बट इसे आप काफ़ी हद तक लीन कर सकते हो। नॉट मतलब ऐसा नहीं कि स्पोर्ट्स बाइक जैसे लीन कर लो जैसे या, कि मोटरसाइकिल जैसे होता है। हाँ या तो ड्यूक जैसे आप लीन करके चले जाओ वैसा वैसे नहीं हो सकता, लेकिन नॉर्मली जैसे कि करते हैं लोग। और ये बाइक बहुत कॉन्फिडेंस देती है आपको, मतलब आप रोड पे अगर निकले हो तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप गिर जाओगे हायर स्पीड्स पे भी। एक मैं आपको इंसिडेंट बताता हूँ, एक दिन मैं और मेरे पापा ऐसे ही निकल गए थे ढाबा पे खाने झारसुगुड़ा। ओके झारसुगुड़ा से? हाँ मजाक मजाक में ऐसे ही इस पे वही बात है इस बाइक के साथ। हमें भी कभी लेके चलो इतना दूर अरे पता ही नहीं चलता इस पे, मतलब मजाक मजाक में निकल लेते हैं पहुंच भी गए और अरे झारसुगुड़ा पहुंच गए। हाँ झारसुगुड़ा पहुंच गए ऐसा फील आया होगा एग्जैक्टली मतलब हम निकले थे ढाबे पे खाने, पापा को बहुत पसंद है ऐसा ढाबा पे खाना ये वो, तो ये ढाबा नहीं वो ढाबा नहीं वो ढाबा नहीं कर करके हम लोग सीधे सीधे और थोड़ा आगे चलते कर करके झारसुगुड़ा पहुंच गए। ढाबा पे खाए हुए सब कुछ सही था। वापस आते टाइम पूरा वो जो मर्सिलेस वाली बारिश होती है ना, मर्सिलेस बारिश और हवा जोरदार हवा, बाकी कोई बाइक होता तो पूरा हिल जाता, ये बाइक लेकिन टस से मस नहीं हुई, पूरा स्ट्रेट लाइन पे चल रही है तो चल रही है। इसका वेट का वही फायदा है बट कभी कभी वेट थोड़ा ड्रॉबैक भी हो जाता है, आप सिटी ट्रैफिक में लेके जाओ तो आप परेशान हो जाओगे क्योंकि वेट के वजह से और ये सब के वजह से आप साइड में देखोगे 100 cc वाले बाइक जू जू करके कट जाएंगे, लेकिन आपको धीरे 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 आराम से जाना पड़ेगा, आराम से जाना पड़ेगा। और बिकॉज इसकी डायमेंशन भी बहुत बड़ी है तब भी आप मतलब ट्रैफिक के बीच में आप कॉर्नरिंग का कॉन्फिडेंस आपको उतना नहीं आएगा। ओके तो वो चीज़ इसका एक पॉजिटिव एक ड्रॉबैक भी आपने बहुत बता दिया जो है, ठीक है ना? यस मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं। हां सही चीज है भाई, जो रियल है आप वही बताओ जो रियल चीज है। अब एक और चीज़ एक और ड्रॉबैक मैं आपको बताता हूँ बट कभी कभी वो उसका मतलब प्लस पॉइंट भी बन जाता है, मेरे लिए वो प्लस पॉइंट है बाकी सबके लिए वो ड्रॉबैक है। इसका लो ग्राउंड क्लियरेंस, लो ग्राउंड क्लियरेंस तो है ही है इसमें, क्रूजर बाइक है, क्रूजर बाइक है आपको एक्चुअली लो ग्राउंड क्लियरेंस आपको सारे क्रूजर्स में मिल जाएंगे, इनफैक्ट आप स्पोर्ट्स बाइक भी लेते हो तब भी आपको लो ग्राउंड क्लियरेंस बहुत सारी मिल जाएंगी बिकॉज अब क्या करें जैसा उसका फॉर्मेट है सेगमेंट के हिसाब से, तो सेगमेंट के हिसाब से बनाएगी एग्जैक्टली फॉलो करना पड़ेगा। तो वैसे मुझे नॉर्मल सिटी रोड्स में राउटला के अंदर मुझे कभी ग्राउंड क्लियरेंस का इशू फील नहीं हुआ, बट मैं इसे कोई गाँव में ले गया कहीं कोई मतलब अप कंट्री जगह पे ले गया तो वहाँ पे गांव में क्या होता है ना वो बम्प्स नहीं बनाते वो पहाड़ बनाते हैं सीधे। हाँ, वो अपने हाथ से बनाते हैं उसको तो वो पहाड़ के बीच से बाकी कोई भी गाड़ी चल जाएगी, लेकिन इस पे लगता है लेकिन थोड़ा स्टैंड पे लगता है कभी ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा डैमेजिंग नहीं हुआ है आज तक, मैंने डैमेज नहीं देखा है बट लगा है 2-3 बार ये बात तो है। बिकॉज इसका थोड़ा ये व्हील बेस भी बहुत लंबा है, अराउंड 1500 mm का व्हील बेस है तो उसके वजह से भी थोड़ा लगने का चांसेस ज़्यादा होता है, बट आप अगर ब्रेक लगा के थोड़ा केयरफुली हैंडल करोगे तो कॉर्नर हल्का सा काटोगे थोड़ा कॉर्नर से काटोगे थोड़ा आप हैंडल कर ब्रेक लगा के जाओगे आप उसको स्पीड से लेके आप जंप करा दोगे तो ये बाइक आपको माफ़ नहीं करेगी। इनफैक्ट आप अगर इसे ऑफ रोड भी ले जाते हो कभी तो आप अगर इसे बहुत स्पीड से ले जा रहे हो तो ये बहुत परेशानी देने वाली है आपको, लेकिन आप अगर इसे नॉर्मली लेके जाते हो आराम से प्यार से लेके जाते हो तो आपको कोई इशू नहीं होगा। और एक और ड्रॉबैक मैं बताता हूँ वो है पीछे का सस्पेंशन। पीछे का सस्पेंशन एक्चुअली मुझे अभी तक लग रहा था ड्रॉबैक बट अभी मेरी बाइक 7000 चल चुकी है, 7000 नहीं 6800 टू बी स्पेसिफिक,
6000 के बाद मैंने देखा है कि इसका पीछे का सस्पेंशन बहुत काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो गया है। 6000 तक मुझे बहुत स्टिफ लगता था, बहुत हार्ड लगता था। बहुत सारे रिव्यूज़ में भी ये बात आई है कि पीछे की सस्पेंशन बहुत स्टिफ है, बहुत हार्ड है। बट पता नहीं पिछले मैं बताऊँ 10-15 दिन से मुझे लग रहा है कि ये बहुत सॉफ्ट हो गई है और बहुत मतलब इजी टू हैंडल और इजी टू राइड हो गई है। नहीं तो पहले अगर स्पीड से ले गया तो बीट में लगता था। अच्छा, एग्जैक्टली। और एक्चुअली ये चीज़ मेरे पिलियंस को भी बहुत फील होती है। और एक और मॉडिफिकेशन मैंने किया है, ये मैंने आपको बताया नहीं, भूल गया मैं बताना। इसके पीछे की सीट जो है ना, ये बहुत पतली सी थी। ये स्टॉक सीट है। इसके अलावा एक टूरिंग सीट भी आती है, वो ज़्यादा कंफर्टेबल है, बट हालांकि मैंने उसे ट्राई नहीं किया है। तो इसके ऊपर मैंने एक एक्स्ट्रा पैडिंग लगवाया है ताकि मेरे पिलियंस को थोड़ा ईजी हो। और अगर आप पिलियन के साथ के हिसाब से देखा है, थोड़ा सा अपने हल्का साइज को और yes, थोड़ा सा हार्ड वाला मैंने ये लगवाया है, गद्दी लगवाया है ताकि थोड़ा ज़्यादा कुशनिंग हो और थोड़ा इजियर हो उनके लिए राइड। और अगर आप पिलियन के साथ राइड करते हो तो बिना बैकरेस्ट के बिल्कुल पिलियन मत बिठाना, बहुत गाली पड़ने वाली है। बोलेंगे गाड़ी इतना ले लिए, गाड़ी इतना ले लिए, क्योंकि ये बाइक भागती बहुत है। मतलब आप एक्सलेटर मोड़ो तो खींच लेती है सीधा। आप इमेजिन करो ये बैकरेस्ट ना हो, ये पूरा सीधा आप अगर मोड़ दोगे सीधा एक्सलेटर तो पिलियन सीधा नीचे। बोलेगा हम तो गिर गए भी नीचे, हमको उठा के लेके जाओ। मेरे पापा रॉयल एनफील्ड की एक इशू ये थे कि ये बैकरेस्ट जो कंपनी फिटेड भी है वो भी आने में थोड़ा टाइम लग रहा था, 2-3 महीने। अच्छा। मेरे पापा बोलते थे इतना महंगा बाइक लिया है बैठने में कंफर्टेबल नहीं लगता, क्या फायदा इतना महंगा बाइक लेके। लेकिन जब से बैकरेस्ट आ गया, मेरे पास ओरिजिनल भी आ चुका है, रॉयल एनफील्ड ने प्रोवाइड करा दिया ओरिजिनल, और ये मैंने एक और आफ्टर मार्केट भी ले रखा है। बैकरेस्ट आने के बाद उनके लिए बहुत हेल एंड हेवन डिफरेंस हो गया है, पिलियन वालों के लिए एक्चुअली। यस, जो पीछे बैठे उनके लिए भाई बहुत ज्यादा हेल्प हो जाने वाला। और हालांकि मुझे भी कुछ दिन पहले लास्ट संडे को ही एज ए पिलियन बैठने का चांस मिला था। मेरा दोस्त राइड कर रहा था, हम गए थे बड़े। अच्छा। बड़े में एक टेम्पल है, वहाँ पे थोड़ा ऐसे ही राइड मार के जा रहे थे। तो मुझे भी अभी काफ़ी कंफर्टेबल लग रहा है। हालांकि ये पीछे की सीट अगर थोड़ी चौड़ी होती तो और अच्छा लगता। थोड़ा सा इसका चौड़ा कम है ना, थोड़ा मेरी मम्मी की लूना की याद दिला रही है ये। यहाँ पे देखिए कितनी चौड़ी मिल जा रहा, और यहाँ पे देखिए। हाँ भाई, यहाँ पे इतनी कंजूसी क्यों, आरी वालों को पूछना पड़ेगा मुझे। आई थिंक ये थोड़ा वो हार्ले इफेक्ट है, हार्ले में भी काइंड ऑफ सिमिलर डिजाइन का सीट आपको मिल जाता है। सही, लेकिन आज के टाइम में तो लोग कंफर्ट खोजते हैं। लेकिन अभी इंडियन मेंटेलिटी होता है, वही चीज है, जो चलता है, जो दिखता है वही बिकता है। एग्जैक्टली। तो बाकी ये बताऊँ तो बाकी आपको तो ऑनलाइन हर जगह मिल गया होगा टॉक फिगर्स, ये जो इसका आरपीएम पावर में तो इसका कोई भाई टक्कर ही नहीं है। मैं बस आपको फील के हिसाब से बताता हूँ। हाँ। ठीक है, हाईवे के ऊपर आप इसे लेके जाओ, आपको बिल्कुल दर्द नहीं फील होगा, बिल्कुल भी आपको मतलब बैक में स्ट्रेन नहीं फील होगा। हालांकि मेरे हाथ थोड़े छोटे हैं तो हम आ चुके हैं वापस, थोड़ी लाइट देख के, लाइट वाली जगह वहाँ पे अंधेरा हो चुका था। तो मैं बात कर रहा था राइजर्स की। तो मैंने यहाँ पे इस पे हैंडल बार राइजर्स लगा रखे हैं बिकॉज मेरे हाथ छोटे हैं और मुझे थोड़ा आगे स्ट्रेन करना पड़ता था। स्टार्टिंग में थोड़ा सा वो इशू आता था, नॉर्मली स्ट्रेट रोड पे चल रहा हूँ तो उतना इशू नहीं, बट जब टर्निंग काटता था ना, यू टर्न्स वगैरह पे, मुझे तब मेरा हाथ थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेच करना पड़ता था, मुझे थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेच होना पड़ता था। तो उसी के लिए मैंने ये हैंडल बार राइजर्स लगाए। बट लोगों का क्वेश्चन होता है कि हैंडल बार राइजर लगाएंगे तो बहुत सारा वायर्स रीरूट करना पड़ेगा या फिर अलग से लेना पड़ेगा। मुझे बस ये क्लच केबल रीरूट करनी पड़ी थी। ओके। ये क्लच केबल पहले वो नीचे से आई थी, बट ये बस 2 मिनट का काम है, आप किसी भी शॉप पे ले जाओ, वो आराम से रीरूट करके आपको लगा देंगे। और इस पर कोई उतना ज़्यादा तामझाम नहीं है, नॉर्मल बाइक जैसे ही है, तो वो बहुत ईजी था। और उसको इसको लगाने के बाद मेरे लिए एटलीस्ट मेरे लिए राइड बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया। मैं थोड़ा स्ट्रेट बैठता हूँ ज़्यादा अभी, और आई थिंक एक्सेसरीज में आई थिंक उतने ही लगवाए मैंने भाई। वाला बता ना, वाला बात जो आपने थंडरबर्ड को लेने का सोचा था पहले। हाँ, मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। ठीक है, मेरे को क्या हुआ था, 2017-2016 की बात है। उस टाइम पर मेरे सारे दोस्त थंडरबर्ड खरीद रहे थे, बहुत सारे दोस्त थंडरबर्ड खरीद रहे थे। मुझे भी मतलब मन था कि उनको देख के मुझे भी बहुत फोमो आने लगा कि मैं भी एक थंडरबर्ड लूँ, ये वो थंडरबर्ड लूँ, इनके साथ राइड पे जाऊँ, मज़ा आएगा, लॉन्ग राइड पे जाऊँ। मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकली ऐसा स्ट्रॉन्ग राइडर नहीं था उस टाइम पे, मैं नॉर्मल
नॉर्मली ऐसे सिटी के अंदर थोड़ा मोड़ा राइड वाइड कर लेता था, बहुत ज़्यादा ये नहीं था, या फिर अभी भी मैं सीख ही रहा हूँ काइंड ऑफ राइडिंग। तो उस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा फोमो था। तो मैंने अपना फर्स्ट जॉब ज्वाइन करा था 2017 में, ओके 2017 में मैंने फर्स्ट जॉब ज्वाइन करा था भुवनेश्वर में। और 2018 में मैं सोचा कि नहीं, अब बहुत हो गया, अब लेना ही पड़ेगा, तो बाइक तो चाहिए पक्का। हाँ, बाइक तो चाहिए अभी पक्का, कैसे भी हो। मैं पूरा सोच के गया था, टेस्ट राइड लिया मैंने थंडरबर्ड, वहाँ पे थंडरबर्ड 350X तब चलता था, तो हाईवे के ऊपर था वो शोरूम, और थंडरबर्ड 350X मैंने टेस्ट राइड लिया। और तभी नया नया इंटरसेप्टर और GT650 लॉन्च हुए थे और टेस्ट राइड भी रखा हुआ था। तो मैंने सोचा अब इसको टेस्ट राइड कर रहा हूँ तो ये भी टेस्ट राइड कर ही लेता हूँ। आया तो भाई ये भी कर लेते हैं, आए हैं तो कर ही लेते हैं, कौन सा पैसा पड़ रहा है मुझे। जैसे ही मैंने इंटरसेप्टर टेस्ट राइड किया, उसके बाद मेरा काया ही पलट हो गया, दिमाग ही मतलब खुल गया। मुझे लगा भाई ये क्या चीज़ है, ये तो भाग ही रही है अब। और ऐसा लगा मुझे कि मेरे पैरों में से किसी ने बेड़ियाँ खोल दी हो। अच्छा, ऐसा लग रहा था कि 350 जब मैंने चलाया थंडरबर्ड, तो मुझे लगा पैरों में बेड़ियाँ लगी है, और धीरे 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 ये बाइक पावरफुल फील तो हो रहा है बट उतना पेपी नहीं है, उतना फास्ट नहीं जा रहा है। इंटरसेप्टर जैसे मैंने चला, बहुत अच्छा लगा था मुझे। 650 हो गया ना वहाँ पे, 650 हो गया, मतलब मैंने सोचा ही नहीं, मुझे लगा हाँ होगी कोई बाइक ऐसी इधर उधर की। उसके बाद मैंने उसे सीरियसली लिया, और उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, और दो चार बार और चार बार मैंने खाली इंटरसेप्टर का ऐसे ही टेस्ट राइड ले लिया। लेकिन एक चीज़ की इंटरसेप्टर पे मुझे दिक्कत आ रही थी कि बिकॉज उसका हाइट थोड़ा ज़्यादा था, तो मुझे टर्निंग्स के टाइम पे उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता था। अच्छा, तो मैंने सोचा था कि हाँ अब पैसे जोड़ेंगे, इंटरसेप्टर ही लेंगे। फिर बहुत कुछ चेंज हुआ लाइफ में, करियर चेंज हुआ, मैं बैंगलोर चला गया, वहाँ पे लाइफ का स्ट्रगल, बाकी सब चीज़ें, ये सब चीज़ों में थोड़ी वो बाइक लेने की जो शौक है ना वो थोड़ी मिनिमाइज सी हो गई बैक ऑफ द विंडो में। तो उसके बाद जैसे ही सुनने मिला कि हाँ एक लॉन्च हो रही है, नया लॉन्च हो रहा है, सेम इंजन पर लॉन्च हो रही है, तो मैंने ना आओ देखा ना ताओ, पहले ही जिस दिन बुकिंग शुरू हुई उसी दिन ही मैंने ऐप इंस्टॉल किया, बुक कर डाला सीधे। अच्छा भाई, एक बात मैं यहाँ पे पूछना चाहता हूँ कि आपका जो है माइंड सेटअप पहले से था कि मेरे को एक लेना है क्रूजर स्टाइल की बाइक, या फिर और कुछ भी आपके माइंड में था? एक्चुअली क्रूजर्स ही लेना था मुझे। अब देखिए, अच्छा, अभी हमारे पास मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि तो मीटर के बारे में नहीं सोचा आपने? हाँ, मीटर के बारे में, मीटर 350, मीटियोर 350 नहीं, मेरे को 650 मेरे को चलाना था। मुझे वो इंजन से प्यार हो गया था एक्चुअली, वो इंटरसेप्टर चलाने के बाद। आप वेट कर रहे थे कब ये 650 के रूप में आए सुपर मीटियोर? हाँ, कब ये आए, कोई क्रूजर लॉन्च हो, या फिर अगर कुछ नहीं होता तो मैं पैसे जोड़ के इंटरसेप्टर ले भी लेता, तब भी मैं उसको कुछ तो मॉडिफाई कराता ये क्रूजर वाले फॉर्म में। मुझे मतलब क्रूजर ही लेना था। ओके, तो पहले से आपने पूरा सेटअप कर दिया था कि तो काइंड ऑफ। और सेकंड कॉम्प्रोमाइज था इंटरसेप्टर, बट इंटरसेप्टर भी बहुत अच्छी गाड़ी है, वो भी बहुत मतलब अच्छी गाड़ी है, लेकिन मुझे थोड़ा वो कॉन्फिडेंस का इशू आने लगा। हालांकि जब नया नया इसको चला था मैं, बाय द वे 135cc के बाइक से इधर डायरेक्टली आया, डायरेक्ट 650, तो मुझे एटलीस्ट एक महीना तो लगा ही था इस पे कॉन्फिडेंस आने में, और टर्निंग्स काटने में, ट्रैफिक के बीच में मनूवर करने में। स्टार्टिंग में मुझे बहुत दिक्कत हुई थी। आप अगर ऐसे छोटे बाइक से आ रहे हो तो फिर आपको बहुत दिक्कत होने वाली है, लेकिन आप अगर क्लासिक से आ रहे हो या फिर कोई हैवी बाइक से आ रहे हो तो आपको उतना ज़्यादा ट्रांजिशन में फील नहीं होगा। तो मुझे स्टार्टिंग में बहुत फील हुआ था बाइक को पीछे करने में, फिर यू टर्न्स काटने में, अभी भी थोड़ी बहुत होती है, लेकिन अभी मेरे लिए काफ़ी ईजियर है, अभी मैं इजीली मैनूवर कर लेता हूँ इसको। ओके, तो भाई इतने से ड्रॉबैक तो आपने बता दिया, कुछ और बाकी रखे हैं क्या माइंड में? कुछ और प्लस पॉइंट्स हैं। नेगेटिव्स खत्म हो गया क्या इसका? नेगेटिव्स आएगा, मैं अभी ये सोच रहा हूँ, अभी हो सकता है कि और कोई, हाँ एक और नेगेटिव अभी आ रहा है। मैं भी देख रहा हूँ, मैं भी नोटिस कर रहा हूँ, और बाकी के यूट्यूब वीडियोस में जिनके चैनल्स फॉलो करता हूँ, जिन लोगों ने इसको लद्दाख ले रखा है, इस बाइक को, यस लद्दाख भी कर चुकी है, दो बाइकर्स ने कर रखा है इसको लद्दाख। ओके, तो उनको, उनकी भी बाइक काफ़ी ज़्यादा चल चुकी है, 6,000-10,000 किलोमीटर्स, तो उनको ना ये चेन स्प्रॉकेट की बहुत इशू आ रही है। मेरा भी चेन ऑलमोस्ट मतलब लास्ट पे आ चुका है यहाँ पे। तो एक्चुअली क्या हो रहा है कि जो इसका फ्रंट स्प्रॉकेट है ना वो बहुत रैपिडली घिस रहा है, तो इसको, इसके बारे में कुछ करना चाहिए, रॉयल एनफील्ड को कुछ तो करना चाहिए, बिकॉज स्प्रॉकेट का यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है इसमें। यस, स्प्रॉकेट की प्रॉब्लम आ रही है, वो घिस रही है, और मुझे दिखता भी है कि मतलब मेटल के छोटे छोटे पार्टिकल्स चेन में जमा होते हैं कोई लॉन्ग राइड से आया तो उस टाइम पे। लेकिन हालांकि लोग बोलते हैं मार्केट में हवा चला हुआ है कि इसका चेन स्प्रॉकेट बहुत महंगा है, 10-15 हज़ार का है, लेकिन ऐसा है नहीं, ये अराउंड 2500 से 3000 की ही है। अच्छा, अंडर 5000? अंडर 3000। अच्छा, अंडर 3000, हाँ, वो भी सही है। तो
तो उस हिसाब से 10,000 किलोमीटर में अगर चेंज भी करना पड़े तो उतना अखरेगा नहीं। तो लेकिन स्टिल अगर मैं कोई लॉन्ग राइड पे लिया हूँ और बहुत टाइम हो गया मेरे को चेंज चेंज किए हुए, तो फिर थोड़ा मुझे कॉशियस रहना पड़ेगा। और रॉयल एनफील्ड की हर एक बाइक के साथ थोड़ी चेन की इशू तो आती ही है, तो ओके, आपको रेगुलरली क्लीन और ल्यूब करना ही पड़ेगा इसको, नहीं तो वो गड़गड़ गड़गड़ आवाज़ करने आवाज़ करता लगता है। रहेगा ना। या और एक इशू है जो कि सब रॉयल एनफील्ड्स के लिए कॉमन है, वो है इसकी फ्यूल फ्यूल इंडिकेटर कभी एक्यूरेट नहीं है, कभी भी नहीं। इसके साथ भी वही है तो भाई को धोखा कभी भी। मिला है तो मेरा एक 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 मैं एक एक वे से इसका फ्यूल मैं मतलब कैसे मेरा माइंड को मैंने सेट किया मैं बता रहा हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि ये 300 किलोमीटर चलेगी एक फुल टैंक पे, तो ट्रिप ए को मैं एज ए फ्यूल इंडिकेटर यूज़ करता हूँ। जहाँ 300 हुआ मैं नेक्स्ट पेट्रोल पम्प ढूंढने लगता हूँ, फिर पूरा का पूरा रिफ्यूल करता हूँ, फिर उसके बाद फिर 300 300 पे मैं भराता हूँ, और मैं वो इंडिकेटर की तरफ देखता ही नहीं। कभी भरोसा उठ गया ना, फुल तेल होगा, फुल तेल होगा एक एक बिट दिखाएगा, कभी बिल्कुल ओके। तेल नहीं होगा, पूरा तो भाई का पूरा भरोसा उठ गया है इसके दिखाएगा, ऊपर पूरा ही भरोसा उठ गया है। तो जैसे कि भाई ने कहा कि यहाँ पे फ्यूल करते हैं, और तो भाई को तो अच्छे से पता होगा भाई एवरेज कितना देती है, पूछना नहीं चाहिए मुझे सिर्फ बाइकों में। फिर आपको एवरेज पूछ रहा अराउंड आप सिटी के अंदर ले जाओगे ट्रैफिक के बीच तो आपको 20 के आसपास देगी, लेकिन आप अगर इसे नॉर्मल रोड्स पे चलाओगे जैसे हमारे राउरकेला के रोड्स हैं तो 25 के अराउंड दे देगी आराम से। आप इसे हाईवे पे एक कंसिस्टेंट स्पीड पे अगर लेके जाओगे तो फिर 27 30 तक भी लोगों की दे रही है, तो 25 से लेकर 30 के अंदर। यस, 25 से 30 के अंदर मान के चले, वैसे भी 30 फीट की बाइक है और कितना देगी। हाँ एग्जैक्टली, ये तो एक शौकीन वाली बाइक है वैसे बोल सकते हैं, माइलेज को अगर लेंगे तो नहीं, इसको लेकिन तो... आप देख लो कोई भी 400 सीसी के ऊपर कोई भी बाइक ले लो, 350 400 के हाँ। वो भी आपको वही 32 33 माइलेज ही मिलेगी उसी के अंदर, उसके ऊपर नहीं जाएगी, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा बस, हाँ ज़्यादा नहीं होगा उसके। हाँ तो भाई सर्विसिंग अभी फ्री चला या फिर पेड में कुछ हुआ है? पेड में हाँ कुछ कुछ चीज़ें चेंजेस हुई हैं, जैसे कि पहला सर्विस में मुझे अराउंड पहला मैंने 500 पे करवाया था, तो ऑयल चेंज हुआ था बस, आई थिंक मुझे सही से याद नहीं है, लेकिन पहला सर्विस में अराउंड 1000 या 2000 ऐसा इसी के आसपास कुछ पड़ा था। वो पेड था या फ्री था? नहीं कुछ वो ऑयल का वो सब अच्छा, का थोड़ा, एक्स्ट्रा आपको देना पड़ा, वो एक्स्ट्रा पे करना पड़ा ओके। था। बाकी सेकंड सर्विस के टाइम पे सेकंड सर्विस पूरा फ्री था, लेकिन मेरी पीछे की ब्रेक पैड ना वो ख़त्म हो चुकी थी पूरी, अच्छा वो चेंज हुआ। करना पड़ा, एंड पीछे इसका ब्रेक पैड कॉस्टली आता है, ये बाइब्रेक के ब्रेक्स हैं आप इसके इसका पीछे का ब्रेक पैड मुझे पड़ा 2800 का, फॉर ए रेफरेंस मीटियोर 350 का 280 का आता है। अच्छा वो एक और एक तो जीरो लगा दीजिए इसके, और एक जीरो लगा दीजिए 10 गुना ज़्यादा सीधे। और मैं ये भी कंसिडर कर रहा था कि इसके मतलब ब्रेक पैड जब ख़त्म हो तो कोई आफ्टर मार्केट मिल जाए या कुछ ऐसा मिल जाए तो काम चल सकता है, लेकिन ब्रेक्स इसके बहुत अच्छे, बाय द वे थोड़े अच्छे ब्रेक पैड्स इसे चाहिए भी, बिकॉज ये इतनी हैवी बाइक है, हैवी और मोमेंटम बहुत ज़्यादा पकड़ती है, आपको सडन ब्रेक करना हो तो आपको थोड़े अच्छे ब्रेक पैड्स चाहिए। तो और ब्रेकिंग भी इसकी बहुत अच्छी है, मतलब आप पूरा 100 पे भी लेके जाओ आप सडनली ब्रेक मारो बहुत अच्छा पकड़ता है, नहीं है पूरी वहीं बिल्कुल हिलती नहीं है वहीं पे रुकती है। और एक और चीज़ इसका एक ड्रॉबैक बता रहा था मैं, बैक का सस्पेंशन, हाँ इसका लेकिन एक प्लस पॉइंट है फ्रंट का सस्पेंशन, अच्छा। आप गड्ढे पे लेके जाओगे आपको पीछे फील होगा लेकिन आगे उतना नहीं होगा, बिकॉज और आपको ना मतलब कभी भी मुझे ऐसा नहीं हुआ कि मैं बहुत गड्ढे से भी, नया नया जब जब बाइक था मुझे भी उतना ज़्यादा आइडिया था नहीं, मैं अपना जो 100 सीसी वाला बाइक था वो कहीं से भी कुदा के ले जाता था, उतना ज़्यादा फर्क पड़ता था नहीं, इसको भी एक दो बार मैंने कुदाया, एडवेंचर टाइप का थोड़ा एग्जैक्टली मतलब मोड़ दिया एक्सीलरेटर तो आप कौन स्लो करें तो जंप करा दिया है मैंने, लेकिन ये कभी भी ऐसा डिसबैलेंस या इस टाइप का कभी फील नहीं हुआ कि ये मतलब रोड छोड़ रही है अपनी लाइन छोड़ रही है, आपको जर्क फील होगा लेकिन लाइन नहीं छोड़ेगी बाइक। तो भाई और एक चीज़ है यहाँ पे कि रात में इसका जो थ्रो हेडलाइट का थ्रो, क्योंकि हाँ। आपने यहाँ पे लगा दिया फॉग लाइट, वो yes. क्यों लगाया भाई? एक और इंस्टेंस भाई आपको भूल जा रहे हैं, मैं उनको याद दिला रहा हूँ अरे बहुत फॉरगेटफुल हो चुका हूँ मैं तो एक और इंस्टेंस आपको बता रहा हूँ। मैं हाईवे पे जा रहा था एक दिन, आपको बता था ना झारसुगुड़ा मजाक में चल गया, एक बार मैं ऐसे ही थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड था काम के रिलेटेड, दोपहर को निकला लंच करके, मैं सोचा जाता हूँ कहीं जितना दूर जा सकूँ आज जाता हूँ, ठीक है गया वो झारसुगुड़ा तक, वहाँ से यू टर्न मार के बस आया, आते टाइम शाम हो गया, तो शाम के टाइम ना एक इशू मेरे को ये हुआ कि यहाँ पे जैसे बहुत अच्छे स्ट्रीट लाइट्स हैं यहाँ पे आसपास देख रहे हो सिटी के अंदर, वो हाईवे पे स्ट्रीट लाइट्स नहीं है बिल्कुल भी नहीं है, और ट्रक्स बहुत सारे चलते हैं, और बारिश का सीज़न क्योंकि चल रहा है तो मेरे बारिश हो रखा था
और मेरा हेलमेट का वाइजर जो है वो गीला था। अच्छा। और मेरे साइड से एक ट्रक बहुत स्पीड से पार हुआ, बहुत धूल वूल उड़ा के, और वो धूल चिपक गया मेरे ये में से। ठीक है। और मैं जा रहा हूँ अराउंड 80 के स्पीड पे, मैं जा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मुझे शाम को आती नहीं, तो 80 के स्पीड पे मैं जा रहा हूँ अंधेरे में, 80 के स्पीड पे जा रहा हूँ, और मुझे ना सडनली ब्रेक मारना पड़ा एक जगह पे, मुझे कुछ फील हुआ, सडनली मैंने ब्रेक मारा, मतलब विजिबिलिटी पूरी कम थी और सडनली मैंने ब्रेक मारा, तो देखा मेरे सामने ही एक ट्रक खड़ा हुआ है। उसके बाद से मुझे बहुत ज़्यादा डर बैठ गया। अगले ही दिन मैंने जाके ये फॉग लाइट लगवा दी, HJG के फॉग लाइट चाहिए, और बस उसके बाद और कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, शाम को भी राइड करता हूँ। तो हाँ, हालांकि हाईवे के ऊपर अगर अंधेरा है तो ऐसा नहीं है कि मैं 100-120 पे राइड करूँगा, 80 के अंदर ही राइड करता हूँ, नहीं तो अगर दिन है तो आप इसको आराम से 100 पे आराम से क्रूज़ कर सकते हैं हमारे यहाँ के रोड्स पे, और थोड़े अच्छे रोड्स चले जाए तो आप 120 पे भी इसको आराम से चल। तो भाई टॉप कितना लें इसको? टॉप मैं 140 लिया हूँ, उसके ऊपर मुझे और हिम्मत नहीं हुआ, और ऊपर जा सकता था लेकिन मुझे हमारे ये आसपास के रोड सही है, ज़्यादा रिस्क लेना भी सही नहीं होता है। वो तो मैं भी खुद बोलता हूँ और रेकमेंड करता हूँ कि भाई आप भी बाइक को इतना स्पीड में ना चलाएं। एग्जैक्टली, बात यह है कि आप बाइक लेते हो एंजॉयमेंट के लिए, ना कि आप गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड पे अपना नाम लिखाने के लिए लेते हो, वो चीज़ है। नहीं, कॉम्पिटिटिव राइडिंग अलग बात है, जो ट्रैक पे राइड करते हैं, जो मतलब ड्रैग रेसेस करते हैं, वो अलग चीज़ हो जाती है। ये बाइक लेकिन कॉन्फिडेंस देती है आपको, बिल्कुल भी वॉबल नहीं करती, बिल्कुल भी हिलती नहीं है। आप एक्चुअली बात ये है कि इस पे हायर स्पीड्स भी स्लो फील होते हैं, तो 350 लेके जाओ तो आपको 80 पे भी आप चला रहे हो तो आपको लगेगा बहुत फास्ट जा रहे हो, लेकिन इस पे क्या है कि आप 100 पे भी चला रहे हो हाईवे के ऊपर तब भी आपको लगेगा कि हाँ ठीक ठाक स्पीड में जा रहे हैं, कम में जा रही गाड़ी। हाँ हाँ, एक और एस्पेक्ट इसका है, वो है हीटिंग इश्यूज का। तो 650 सीसी इंजन है, काफ़ी बड़ी है, थोड़ी हीट तो होती है, ये तो ऑनेस्ट है, मतलब ऑनेस्टली हीट होती है, ये भी होती है, इंटरसेप्टर भी होती है, GT650 भी होती है, और ये एक्चुअली एयर प्लस ऑयल कूल्ड इंजन है, यहाँ पे रेडिएटर भी लगा हुआ है, ऑयल आती है रेडिएटर पे कूल होती है फिर इंजन पे वापस जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लिक्विड कूल जितना एफिशिएंट होगा। तो इस पे आपको थोड़ी हीटिंग फील होती है, आप जब ट्रैफिक में हो, जब आप स्लो हो तब आपको फील होगी, लेकिन जब आप थोड़े 20 किलोमीटर्स पर आवर, 30 किलोमीटर्स पर आवर पे जा रहे हो तो फिर क्या होता है कि इस पे पैर आपका आगे रहता है, ऐसे रहता है। मैं बैठ के दिखा दो। हाँ, मैं बैठ के दिखा देता हूँ, पैर आपका यहाँ आगे रहता है। ठीक है। तो इसके वजह से क्या होता है, हीट सारी जनरेट होती है ये पार्ट पे मोस्टली। ठीक है। अब आप अगर जा रहे हो आगे तो फिर हवा तो आगे से आएगी, वो हवा क्या करती है, आप ये जो हीट को पीछे की तरफ ले जाती है, तो 30 के ऊपर आप अगर चला रहे हो तो फिर आपको उतनी हीट फील नहीं होगी, थोड़ी बहुत हीट फील होगी, वो नेचुरल है, कोई भी बाइक में आपको फील होगी, लेकिन आप अगर 30 के अबव जा रहे हो तो उतनी ज़्यादा हीट आपको फील नहीं होगी। अच्छा। लेकिन आप अगर ट्रैफिक में रुके हो, ट्रैफिक में रुक के आप वेट कर रहे हो सिग्नल, तब लगेगा, लेकिन तब आपको थोड़ा हीट फील होगा और आपको अच्छा खासा भी हीट फील हो सकता है, लेकिन बात यह है कि आपको आदत पड़ जाएगी इसकी। वही बात है, आपको आदत पड़ जाएगी और उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं फील होगा बाद में जाके ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब इसके नेगेटिव्स, इसके पॉजिटिव्स एक्चुअली इसके नेगेटिव्स को बहुत ज़्यादा ओवरशैडो करते हैं। आप कितने भी नेगेटिव्स हो बाइक में, आप एक बार इसे हाईवे पे लेके जाओ, आपके फेस पे जो स्माइल आएगी वो सारे नेगेटिव माफ, सारे नेगेटिव माफ, सारे नेगेटिव माफ, भाई भाई ये बाइक लेना है अभी। एग्जैक्टली। थोड़ा स्टार्टिंग में आपको एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट जब आप एडजस्ट हो जाओगे, जब आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे इसके साथ, तो आपको बहुत ही अच्छी लगेगी ये बाइक। देन भाई वाइब्रेशन, वाइब्रेशन पे आते हैं। वाइब्रेशन आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगी, टिल 100 आपको बिल्कुल फील नहीं होगी, 100 पे आपको थोड़ी थोड़ी फील होगी, लेकिन वो ख़राब वाले वाइब्रेशंस नहीं कि आप थक जाओ, या फिर जो आपको थकाने वाले वाइब्रेशंस। अच्छा। वो स्वीट सी वाइब्रेशन आपको फील होगी, लेकिन उसके बाद अगर आप थोड़ा मान लो 130 पे चल रहे हो, 140, उतना टाइम के लिए चलाया नहीं अभी तक, तो उतना मैंने भी अभी तक फील किया नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आई थिंक 140 के अबव जाओगे, 130 के अबव जाओगे तो उस टाइम पे थोड़ी फील हो सकती है, बट मैं भी श्योर नहीं हूँ। आई थिंक मिनिमल है, नहीं मिनिमल है, बहुत मिनिमल है, ऐसा नहीं कि आपको परेशान कर देगी, थका देगी, आप ऐसे मतलब राइड पे आने के बाद आपको मतलब डिस्को डांस वाला फील आ रहा है वैसा फील नहीं होगा आपको बिल्कुल भी। तो भाई इतना सारा आपने बता दिया, अभी तक इसका एग्जॉस्ट नोट हमने नहीं सुना है भाई, एग्जॉस्ट है। और बाय द वे ये स्टॉक एग्जॉस्ट है, मुझे स्टॉक ही अभी तक के लिए पसंद है भाई, स्टॉक ही रखना।
इसको मॉडिफाई मत करना। नहीं मॉडिफाई करने का मुझे वैसे शौक नहीं है, मैं बस राइड के लिए जितने मॉडिफिकेशंस चाहिए एसेंशियल्स वो मॉडिफाई मैं करवाता हूँ, मुझे कंफर्ट के लिए अराउंड या फिर राइड पे लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जो भी चाहिए। ओके ये स्टार्ट करते हैं इसे ये आइडल पे। यहाँ तो हवा फेंक रही है ये बैकफायर भी थोड़ी थोड़ी करती है। थोड़ा सा एग्जॉस्ट नोट अभी चेंज हुआ है मुझे 5000 किलोमीटर के बाद थोड़ी फील हो रही है कि थोड़ा निखर के आ रहा है, उभर के आ रहा है, नहीं तो बहुत ज़्यादा साइलेंट चलता था गाड़ी। हाँ मुझे अभी फील हो रहा है, मतलब मेरे भाई ने भी चलाया, मेरा एक भाई है उसके साथ मैं खरीदने गया था। अच्छा उसने वो खरीदने वाले दिन एक बार चलाया था और एक बार कुछ अराउंड 2 हफ्ते पहले उसने चलाया था, तो उसने भी बोला कि हाँ इसकी एग्जॉस्ट नोट थोड़ी बेटर हुई है अभी और ज़्यादा थोड़ी सी लाउडर आ रही है। ओके तो चलाने के बाद ये पर खुल गई है अभी। एग्जैक्टली अभी थोड़ी खुल गई, अब 10,000 शायद और थोड़ा और खुल जाए। चलिए सही है। और भाई ने भाई बहुत सारा इसके बारे में बता दिया, यानी कि 650 सुपर मीटर जैसे कि आप देख पा रहे ब्रांडिंग। और अभी रात ऑलरेडी हो चुका है और भाई से हम लेते हैं अलविदा। भाई बहुत बहुत थैंक यू, प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और भाई से मिलते रहेंगे जब भी आएंगे, अभी जाते हैं अभी चलेंगे जरूर राइड पे भी चलेंगे एक बार। तो भाई थैंक यू वेरी मच इतना कुछ बताने के लिए इससे सुपर मीटर 650 के बारे में। एंड दोस्तों अगर आपको ये वीडियो एंड भाई का जो ओपिनियन एंड इनका जो एक्सपीरियंस अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ भाई सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को। तो मिलता है वीडियो में, धन्यवाद। चलो चाओ।